Hello guys, this is Gramophone, about 60 years old. Hello guys, this is Gramophone, about 60 years old. This is from His Master's Voice, जो उस time company चलती थी. तो I'm going to tell you कि how it is work. So इसमें basically कोई wire नहीं होती है. इसका तेरे ओके तो बेसिकली इसका एक तरह से आप स्पीकर कह सकते हो जिसमें से वॉइस आती है. तो दिस इज इट्स स्पीकर. ये काफी अच्छा होता है दिखने में, हॉलो होता है अंदर से, इसमें कोई वायर नहीं होती है. तो अंदर से बेसिकली इसमें से इको ये स्पीकर वो बेसिकली ये हमेशा पीतल का ही होता है. अच्छा, ब्रास का होता है ये वाला. ये ब्रास का होता है बेसिकली, इज मेड ऑफ ब्रास, गोल्डन कलर में आपको मिलता है. और आप इस तरफ देखोगे तो ये इसका एक तरह से स्पीकर भी बोल सकते हो उस टाइम का. इसमें यहाँ पे नीडल लगती है, ये वाली छोटी वाली दिखाओ, वो नीडल दिखाओ. दिस इज अ नीडल. तो ये आपको जब भी आप इसको लगा के गाने सुनते हो तो एक या दो बार गाना सुनने के बाद आपको ये चेंज करनी पड़ती है. तो बेसिकली यहाँ होल्डर में लगती है, इसका होल्डर है. तो हम इसको यहाँ लगाएंगे, इसको लूज करा हल्का सा, इसको हल्का सा अटका के इसको बस टाइट कर देना आपने. एक सेकेंड थोड़ा सा. यस, तो अब ये लग गई है. तो इसमें आपने जैसे देखा कोई वायर नहीं मैंने अटैच किया, इसमें सिंपली बस आपका जो रिकॉर्ड होता है उसी से ही इसमें से ऑडियो. अब ये दिखा, इस तरह के रिकॉर्ड आते हैं, इस तरह के पहले रिकॉर्ड होते थे, इधर इस तरह के रिकॉर्ड होते थे पहले. दिस इज अप्रोक्स 50-60 ईयर्स ओल्ड ऑल्सो. तो अब जैसे इसको हम रखेंगे, ये वाला चलाते हैं. तो वी आर गोइंग टू प्ले दिस वन. तो पहले हमने इसको ऊपर ऐसे रख देना सिंपली, चार्ज कैसे किया. और अभी ये इसकी ब्रेक होती है बेसिकली, ये जब ये हम हटाते हैं तो घूमना शुरू कर देता है. फिलहाल हम इसके ब्रेक लगा के रखेंगे और इसमें चाबी भरेंगे. इसमें कोई बैटरी नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किसी से नहीं चलता है. इसमें हमने सिर्फ दिस इज अ हैंडल, ये इसके यहाँ साइड से आप चाबी डाल सकते हैं. इसमें यहाँ पे छोटा सा होल्ड है, यहाँ अंदर मशीनरी होती है बेसिकली. तो ये यहाँ से अंदर जाएगा नीचे एक दफा, फिर दोबारा लेके. तो चलो, तो यहाँ से हमने अंदर डालना है. तो ये इस तरह से टाइट हो गया. तो अब टाइट हो गया है. तो अब हम जैसी चाबी डालनी शुरू करेंगे आपको आवाज आएगी. जैसे ही इसकी चाबी फुल हो जाएगी, ये की ऑटोमेटिक हैवी हो जाती है. तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है एंड उसके बाद आपने सिर्फ ब्रेक हटानी है और ये रिकॉर्ड घूमना शुरू हो जाएगा. यहाँ से आप इसकी स्पीड तेज या कम कर सकते हो, बट मेक श्योर आप इसको मिडिल में रखें. और उसके बाद आपने ये सिंपली इसके ऊपर प्लेस करना है, बड़े आराम से, जोर से नहीं रखना है, आराम से प्लेस कर देना है. Thank you.
इसको रोकने के लिए आपको चलते हुए में से ही इसको उठाना है, चलते रिकॉर्ड में से इसको रोक के नहीं उठाना है, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है। और उसके बाद इसको साइड कर दो और दूसरे से इसकी ब्रेक लगा दो। ग्रेट, तेरा मकान तेरे परदादे का जितना उतना तू ये रिकॉर्ड चुक लिया है। 60 साल का ना, ये मेरे दादे का ही आदर्श है, डीप बी टाइम का। भाई पुत्र दर्जन, 1 मिनट और दो। ओरिजिनल है इस मास्टर वॉइस का। सो दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस अप्रॉक्स 60 years old। आप इसका कवर भी देख सकते हैं, ये भी 60 साल पुराना है। आप देख सकते हो इसकी हालत भी। लिखी डेट, लिखी डेट तो शायद इसका नहीं होती है, आई थिंक इसमें कहीं होगी डेट। नहीं, ईयर इस पे नहीं लिखा है, मेरे का ईयर रिकॉर्ड भी लिखा होता है। चलो फिर से चाबी डाल देखिए। मेरे को बिजली वाला है, बिजली वाला जेड़ा ना, वो पंजा ही छोटा हो। चलो भैया, अब हम ब्रेक हटाएंगे और में से ही इसे उठाना है। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले रोक दो, वरना रिकॉर्ड डैमेज हो सकता है नीडल से।
आप पहले इसको हटा दो, साइड कर दो और फिर इसे ब्रेक लगा दो इसकी, दैट्स इट। तो बेसिकली ये इसकी मशीनरी है, पुरानी एंटीक क्लॉक्स की तरह। तो जब हम चाबी ओढ़ते हैं यहाँ से बाहर से जो हैंडल आके यहाँ लगते हैं, इसको घुमाने से फिर इसकी चाबी ओढ़ती है। इट्स प्रीटी बेसिक एंड सिंपल टेक्नोलॉजी बट द बेस्ट वन। चलो ठीक।